नमस्कार, आइडियलिस्ट टीवी के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम जिस व्यक्ति की जर्नी के बारे में बात करने वाले हैं, उनका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई झवेर भाई पटेल, हम सब उन्हें भारत के लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक कद्दावर नेता और 565 रियासतों को अखंड भारत का हिस्सा बनाने वाले पटेल जी का जन्म गुजरात के नडियाड में एक साधारण किसान परिवार में हुआ था। इस वीडियो में हम उनकी जीवन यात्रा को आपके सामने रखने का प्रयास करेंगे। कृपया अंत तक वीडियो को जरूर देखें, साथ में वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपसे हमारी कोई भी वीडियो मिस ना हो। से 1911 जन्म और उनके जीवन के शुरुआती साल 31 अक्टूबर 1875, ये वही तारीख है जिस दिन भारत का भविष्य बदलने का दमखम रखने वाले वल्लभ भाई पटेल जी का जन्म हुआ। जीवन के शुरुआती वर्षों में उनकी छवि एक लक्ष्यहीन व्यक्ति की रही, लेकिन इन सभी धारणाओं को दरकिनार करके पटेल जी ने कानून की परीक्षा पास करके सबको गलत साबित कर दिया। कहा जाता है कि उधार ली हुई किताबों से वो पढ़ाई किया करते थे। आपको जानकर हैरानी होगी, तकरीबन 22 साल की उम्र में उन्होंने स्कूली शिक्षा प्राप्त की और बाद में कानूनी पढ़ाई पूरी की और गुजरात के गोधरा, आनंद और बोरसद में वकालत की और एक तेज तर्रार वकील का रुतबा हासिल किया। 1911 पटेल जी के इंग्लैंड यात्रा। वकालत की उच्च शिक्षा के लिए वो इंग्लैंड जाना चाहते थे। उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी इस सपने को साकार करने के लिए लगा दी और इंग्लैंड जाने का टिकट पाने में सफल रहे। तब उन्हें पता चला कि उनके बड़े भाई विट्ठल पटेल जी का भी विदेश जाकर पढ़ाई करने का सपना है। तब टिकट पर लिखे आद्याक्षर वीजे पटेल का फायदा उठाकर उन्होंने वो टिकट अपने बड़े भाई को दे दी। उनकी धर्म पत्नी के देहांत के 2 साल बाद बिना किसी उच्च शिक्षा के 36 साल के उम्र में पटेल जी लंदन गए और मशहूर मिडिल टेंपल में एडमिशन लिया और 36 महीनों के अभ्यास को उन्होंने मात्र 30 महीनों में ही पूरा कर लिया और टॉपर भी रहे। भारत वापस आने के बाद वो गुजरात के अहमदाबाद में स्थायी हुए और एक सफल बैरिस्टर बने। 1917 से 1947 तक भारत के स्वतंत्रता संग्राम में पटेल जी का योगदान। 1917 में गोधरा में महात्मा गांधी जी के साथ हुई मुलाकात के दौरान उनकी रुचि राजनीति में पड़ी और वो कांग्रेस से जुड़े। इस मुलाकात को राजनीतिज्ञ पटेल जी की जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट मानते हैं। कांग्रेस से जुड़ने के बाद उन्होंने गुजरात सभा के सचिव पद पर कार्य किया और एक कद्दावर नेता के रूप में उभर कर सामने आए। 1918 में वो अपनी सफल वकालत को छोड़कर गांधी जी के कहने पर वो पूर्ण रूप से राजनीति में चले गए। तब गुजरात में अकाल और प्लेग महामारी का दौर था। उन्होंने अपनी राजनीतिक यात्रा का आरंभ खेड़ा सत्याग्रह से किया और ब्रिटिश हुकूमत के सामने किसानों के लिए कर माफी की मांग पर सफलतापूर्वक लड़ाई की। 1920 आते ही पटेल जी गांधी जी के असहकार आंदोलन से जुड़े और पूरे पश्चिम भारत की यात्रा करके 3 लाख सदस्यों को इस आंदोलन से जोड़ा और कांग्रेस पार्टी के लिए तकरीबन 15 लाख रुपए का चंदा इकट्ठा किया। 1923 में जब गांधी जी जेल में बंद थे, तब पटेल जी ने ही नागपुर में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ
भारतीय ध्वज फहराने के प्रतिबंध से जुड़े कानून के विरुद्ध हो रहे आंदोलन की अगुवाई की। 1928 का बारडोली सत्याग्रह ही था जिसकी वजह से उन्हें सरदार की उपाधि मिली और पूरे देश में लोकप्रिय बना दिया। उनकी नेतृत्व क्षमताओं को देखते हुए नेहरू जी ने कांग्रेस की अध्यक्षता करने के लिए गांधी जी को पटेल के नाम का सुझाव दिया। गांधी, नेहरू, पटेल, इन तीनों को स्वतंत्रता संग्राम की त्रिमूर्ति कहा जाता था। सरदार और नेहरू अलग अलग विचारधारा वाले व्यक्ति थे। नेहरू जी का झुकाव वामपंथी विचारधारा की ओर था जबकि पटेल जी पूंजीवादी विचारधारा के पक्ष में थे, लेकिन नेहरू जी और पटेल जी दोनों गांधी जी के नक्शे कदम पर चलने वाले व्यक्ति थे। शायद इसी वजह से उनके वैचारिक मतभेद को कुछ अखबारों ने और कुछ लेखकों ने एवं राजनीतिज्ञों ने महत्वाकांक्षा की दुश्मनी तक करार दिया, लेकिन उन तीनों का लक्ष्य सिर्फ एक था, स्वतंत्र भारत। 1930 सन 1930 में ब्रिटिश सरकार द्वारा सरदार जी को नमक सत्याग्रह के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया और बिना गवाहों के मुकदमा चलाया गया। 1931 सन 1931 में गांधी जी इरविन समझौते के बाद कराची सत्र में उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। सरदार जी अस्पृश्यता निवारण और एक धर्मनिरपेक्ष अखंड भारत के पक्ष में थे। कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहते हुए उन्होंने गुजरात किसानों की जब्त की गई जमीन वापस दिलवाई। 1942 में पटेल जी ने गांधी जी के कहने पर सविनय असहकार आंदोलन के लिए ग्वालिया टैंक मैदान में एक जबरदस्त भाषण दिया। इस मैदान को आज हम अगस्त क्रांति मैदान के नाम से जानते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्हें और पूरी कांग्रेस वर्किंग कमेटी को ब्रिटिश सरकार ने 3 साल के लिए गिरफ्तार कर लिया। उनकी रिहाई तक भारत तकरीबन आजादी की कगार पर था और ब्रिटिश हुकूमत ने अपने घुटने टेक दिए थे। अंततः सन 1947 में भारत 15 अगस्त के दिन आजाद हुआ। लेकिन आज भी हमारे मन में ये सवाल आता है कि जब सरदार पटेल जी इतने काबिल नेता थे तो फिर उन्हें भारत का पहला प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनाया गया। इसका जवाब सन 1942 में हुई एक जनसभा से मिलता है। 15 जनवरी 1942 के दिन गांधी जी ने कांग्रेस अधिवेशन की जनसभा में ऐलान किया, ना ही राजा जी, ना ही सरदार जी, बल्कि नेहरू जी मेरे राजनैतिक उत्तराधिकारी होंगे और मेरे जाने के बाद मेरी भाषा बोलेंगे। साथ ही कई राजनीतिज्ञ ऐसा भी मानते हैं कि बढ़ती उम्र और बिगड़ते स्वास्थ्य के कारण शायद गांधी जी ने नेहरू जी को देश की कमान सौंपी। 565 रियासतों को भारत से जोड़ने में सरदार पटेल जी का योगदान। कई किताबों में और तब के प्रकाशित अखबारों से मिले लेखों में कहा गया है कि सरदार जी अलग पाकिस्तान के पक्ष में कतई नहीं थे और शायद इसलिए सरदार पटेल जी ने अपने बिगड़ते स्वास्थ्य और बढ़ती उम्र को दरकिनार करते हुए अपने अखंड भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। तब भारत अलग अलग 565 रियासतों में बटा हुआ था। 565 रियासतों में से त्रावणकोर, हैदराबाद, जूनागढ़, भोपाल और कश्मीर जैसी कुछ रियासत में भारत संघ में शामिल होने के बाद इनकार कर दिया गया, जिनमें हैदराबाद के निजाम और जूनागढ़ के नवाब ने पाकिस्तान के साथ जाने का फैसला किया था और कश्मीर के राजा हरि सिंह ने कश्मीर को भारत संघ के साथ जोड़ने के अपने फैसले में देरी कर दी और शाम दाम दंड भेद की नीति को अख्तियार करते हुए पटेल जी ने अपने अनुभव, बातचीत करने की कुशलता और काबिलियत से इन सभी रियासतों को भारत संघ में शामिल करवा दिया। अखंड भारत की परिकल्पना करना ही अपने आप में एक बड़ा काम था जिसे सरदार पटेल जी ने निर्भीक होकर साकार किया और उनके इस दृढ़ निश्चय की बदौलत ही आज के भारत का नक्शा बन पाया। हाँ, हमने एक फैसला किया कि भाई ये रियासतों में हमें एक काम करना चाहिए, कबूल करना चाहिए कि जैसा रियासत के लोग चाहे ऐसा करें, तो जैसे लोगों का लोकमत हो इस प्रकार करना चाहिए, तो लोकमत जैसा हैदराबाद में हो, कश्मीर में हो, हर जगह पर हो, लोकमत इस प्रकार का करो। हमें कोई फैसला करने में अभिप्राय नहीं है, लेकिन यदि कश्मीर में जो चलता है इस तरह से चलता रहे तो फिर लोकमत करने की क्या जरूरत, हम लड़ाई करके कश्मीर को ले लें तो फिर लोकमत की जगह कहाँ रही। तो हम तो कहते हैं कि आज भी प्लेबिसाइट से करो, लोकमत लेके करो, लेकिन हमारे पास आखिर हमारा
सिपाही मरते रहे, हमारा पैसा खर्च करता करना पड़े और हमारे गांव के गांव जलाए जाए और वहाँ हिंदू और सिखों को तबाह किया जाए, तो फिर आखिर लोक मत का रहा? फिर तो आखिर हम बंदूक से ही लेना हो तो लेंगे, और क्या करेंगे? दूसरी तरह से नहीं हो सकता है, नहीं। लेकिन हमने एक बात साफ की कि कश्मीर की एक तसु जमीन हम छोड़ने वाले नहीं है, कभी नहीं छोड़ेंगे। इस टॉपिक पर अगर आप अलग वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। सरदार पटेल जी की मृत्यु 15 दिसंबर 1950 के दिन दिल का दौरा पड़ने से हुई। उन्हें सन 1991 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 565 रियासतों को अखंड भारत का हिस्सा बनाने में उनके द्वारा किए गए योगदान को सम्मान देने के लिए सन 2013 में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा गुजरात के नर्मदा जिले में सरदार सरोवर बांध के सामने उनकी 182 मीटर ऊंची प्रतिमा बनवाने का ऐलान किया। एकता का स्मारक है और एकता का संदेश है कि भाषा अनेक, भाव एक, राज्य अनेक, राष्ट्र एक, पंथ अनेक, लक्ष्य एक, बोली अनेक, स्वर एक, रंग अनेक, तिरंगा एक, समाज अनेक, भारत एक, रिवाज अनेक, संस्कार एक, योजना अनेक, मकसद एक, कार्य अनेक, संकल्प एक, राह अनेक, मंजिल एक, पहनावा अनेक, प्रतिभा एक, चेहरे अनेक, मुस्कान एक। ये एकता का संदेश लेकर के हम चले। और भाइयों बहनों, ये भारत की विशेषता है, विविधता में एकता, यही भारत की विशेषता है। और उनके जन्मदिन 31 अक्टूबर 2018 को ये प्रतिमा बनकर तैयार हो गई, जो कि विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है, जिसको नाम दिया गया है स्टैचू ऑफ यूनिटी। उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। सन 1931, एक तरफ स्वतंत्र भारत की नींव रखी जा रही थी तो दूसरी तरफ रामेश्वरम में एक ऐसे व्यक्ति का जन्म हुआ जिसने आगे जाकर भारत को तकनीकी और विज्ञान क्षेत्र में विश्व पटल पर ला खड़ा किया। वे कोई और नहीं बल्कि वो है अबुल पाकिर जैनुलअब्दीन अब्दुल कलाम जी, जिनको आज हम सब मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं। इसके साथ ही आपसे विदा लेते हैं और मिलते हैं जर्नी की अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।